जय हिंद डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नेक्स्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 29। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ डिस्कस करने चल रहे हैं वो है वन मोल ऑफ अ गैस विथ गामा इज इक्वल टू 7/5 इज मिक्स्ड विथ वन मोल ऑफ गैस विथ गामा इज इक्वल टू 5/3 द वैल्यू of gamma of the resulting mixture is, we have a container and the gas is 7/5, कह सकते हैं ऐसा भी कि जो हमारे पास द रेशियो ऑफ द टू मोलर स्पेसिफिक हीट है गामा वो 7/5 है और n1 is equal to 1 mole है और इसी में एक और गैस है और N2 इज इक्वल टू कितना है 1 mole वो भी है और उस जो दूसरा गैस इसमें मिक्स किया गया है गामा 2 इज इक्वल टू वो कितना है 5/3 है। बेटे याद रखना एक गैस मेरे पास 1 mole का है जिसका गामा 7/5 है, दूसरा गैस भी 1 mole का ही है और जिसका गामा 5/3 है। इन दोनों को मिक्स किया गया है इस कंटेनर के अंदर, तब कह रहा है अब गामा बताओ क्या होगा। अगर ये मेरे पास एक गैस मिक्स है जिसका गामा इतना है तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहां पर ये जो गामा होता है ये Cp/Cv होता है। क्या होता है? Cp/Cv होता है और इसकी वैल्यू 7/5 है। क्या है? 7/5 है। अब अगर यहां पर इस सीपी की वैल्यू रख दें तो सीपी इज इक्वल टू होता है 1 + f/2 और इनटू आर और 1 यहां से कितना होगा f/2 इनटू आर इज इक्वल टू 7/5 यहां से कितना हो जाएगा 7/5 ये इतना हो जाएगा। और यहां से मैं निकालना चाहूं तो यहां पर जो मेरा सीपी या सीवी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा। अच्छा यहां से एक चीज और पता चल पा रहा है कि ये इस रेशियो को देख कर ही बताइए, आप इस रेशियो को देख कर ही बताइए कि ये डायटोमिक गैस है। कैसा गैस है? ये डायटोमिक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5 है, डायटोमिक गैस है। और इस वाली गैस को आपको देखकर पता चल रहा है, इस गैस का गामा देखकर पता चल पा रहा है कि ये मोनोएटॉमिक गैस है। कौन सा है? मोनोएटॉमिक गैस है और मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम f=3 होता है। और यहां से भी हम आप चाहें तो सीपी इसका निकाल सकते हैं कितना होगा 1 + 3/2 और इनटू आर यानी कि 5/2 इनटू आर और सीवी इसका निकालें तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इनटू आर। तो हम चाहें तो यहां से भी निकाल लें, तो अगर मैं इसको 2 बोलूं और इसको 2 बोलूं तो इस वाले की रेफरेंस में अगर निकालें सीवी निकालें तो सीवी कितना आ जाएगा 5/2 इंटू आर और इसको 1 बोल दे रहे हैं और सीपी अगर इसका 1 निकालें तो ये कितना हो जाएगा 7/2 इंटू आर। तो सीपी सीवी यहां से भी कैलकुलेट हो जाएगा और यहां से भी अगर रेशियो का कंपैरिजन करेंगे तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इन दोनों गैस का N1 mole जो इसका है, N2 mole जो इसका है, इन दोनों को एक कंटेनर के अंदर मिक्स कर दिया गया तो गामा रिजल्टेंट पता करना है। गामा रिजल्टेंट का मतलब है कि गामा मिक्स पता करना है। गामा मिक्स का मतलब है कि सीपी मिक्स अपान सीवी मिक्स। अब अगर सीपी मिक्स कैलकुलेट करना है तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट होगा N1 और CP1 प्लस N2 और CP2 अपान N1 प्लस N2 और सीवी मिक्स कैसे निकल कर आएगा N1 CV1 प्लस N2 और CV2 और अपान N1 प्लस N2। ये फार्मूला होता है सीपी मिक्स और सीवी मिक्स का। आप देख रहे हैं कि N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा। गामा मिक्स क्या कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट होगा? तो N1 और CP1 और N2 और ये CP2 और अपान N1 और CV1 प्लस N2 और CV2 ऐसे कैलकुलेट होगा। N1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 mole है, CP1 की वैल्यू आप यहां से देखें 7/2 इंटू आर और N2 की वैल्यू यहां से देख रहे हैं 1 mole ही है
और CP2 की वैल्यू ये है 5/2 × R, और N1 की वैल्यू 1 मोल है, CV1 की वैल्यू 5/2 R है, और N2 की जो वैल्यू है वो 1 मोल है, और CV2 की वैल्यू 3/2 R है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7/7 = 12/2 × R आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 = 8/2 × R आ जाएगा, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 12/8 और ये 3/2 आ जाएगा। तो गामा मिक्स जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/2। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैच कर जा रहा है, और यहां से भी आप कंपेयर करेंगे तो भी यही गामा की वैल्यू, सॉरी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा।